Hi, welcome to the Language Lab YouTube channel. इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ स्ट्रक्चर की जानकारी देंगे जिसके द्वारा हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे लोगों को घर बैठे अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस हो सके। इस क्रम में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के सामने पहला स्ट्रक्चर रखने जा रहा हूँ, दैट इज सब्जेक्ट प्लस इजारेम प्लस नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कहाँ करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब वर्तमान समय में एट प्रेजेंट मोमेंट हम किसी के पद स्थिति अवस्था की चर्चा करते हैं या उसके बारे में सूचना देते हैं, जैसे वह एक डॉक्टर है, वह एक स्टूडेंट है, वह एक टीचर है, वह मेरा दोस्त है। तो इस प्रकार से जब हम किसी के पद की चर्चा करते हैं या उसके बारे में सूचना देते हैं तो उसे व्यक्त करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। वेरी सिंपल, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देना हो या जो काम करे, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे मुझे अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना है, सब्जेक्ट आई। आपके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, यू। राम के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, राम। तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देना हो, दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग ईच आर एम का प्रयोग करेंगे, जैसे आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही के साथ एज, शी के साथ एज, दे के साथ आर। फिर नाउन, नाउन क्या होता है, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, राइटर, डांसर, स्पीकर, सिंगर। प्रोनाउन जो कि उसके बदले में आवे, एडजेक्टिव जो कि उसकी विशेषता को बतलावे, जैसे वह स्मार्ट है, वह लंबा है, वह गोरा है, वह नाटा है। तो जब वर्तमान समय में हम किसी के पद की चर्चा करते हैं तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे उसके बारे में चर्चा करना है, सब्जेक्ट ही के साथ इज का प्रयोग किए, ही इज अ स्टूडेंट। सूचना पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। यदि हमें निगेटिव इंफॉर्मेशन देना हो तो इज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ही इज अंडर स्टूडेंट। सूचना लेने के लिए हम लोग प्रश्न बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, उसके लिए इंटरगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इज आर एम को सब्जेक्ट से पहले करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, जैसे इज ही अ स्टूडेंट, क्या हुआ, एक स्टूडेंट है। और इंटरगेटिव निगेटिव, इजंट ही अ स्टूडेंट, क्या हुआ, एक स्टूडेंट नहीं है, क्या हुआ, एक छात्र नहीं है। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग चार तरीके से सेंटेंस को रख सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव इज अ स्टूडेंट, निगेटिव इज नॉट अ स्टूडेंट, इंटरगेटिव इज ही अ स्टूडेंट, इंटरगेटिव निगेटिव इजंट ही अ स्टूडेंट। कितना आसान हो जाएगा आपके लिए अंग्रेजी बोलना। जैसे यदि आपको किसी के बारे में वर्तमान समय में बताने की जरूरत हो तो मुझे लगता है आपको हिंदी में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक दैट पर्सन एज अ सब्जेक्ट। वो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, प्लेयर्स हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से इजारेम डालिए, नाउन डालिए। अब इसको आप प्रैक्टिस करो फोर वे में। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं, जैसे ही इज अ स्टूडेंट, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, इज ही अ स्टूडेंट, इज नॉट अ स्टूडेंट, सी इज अ टीचर, सी इज नॉट अ टीचर, इज सी अ टीचर, इजंट सी अ टीचर, दे आर प्लेयर्स, दे आर नॉट प्लेयर्स, आर दे प्लेयर्स, आर दे प्लेयर्स, मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इजंट मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इज इंडिया अ कंट्री, इजंट इंडिया अ कंट्री। इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को प्रयोग करते हुए यदि आप कुछ सेंटेंस का ओरल प्रैक्टिस कर लेते हैं, मौखिक रूप से यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं, यह स्ट्रक्चर आपके टंग पर एडजस्ट हो जाएगा। फिर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि वर्तमान समय में उसकी पद की चर्चा करनी हो तो आपको हिंदी सोचने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। इस प्रकार से हम लोग फिर अगले वीडियो में दूसरी स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। होपफुली यदि आप हमारे वीडियो को सही तरीके से समझने का कोशिश करेंगे तो आप काफी बेनिफिट ले सकते हैं। बस प्रैक्टिस कीजिए तो घर बैठे भी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। थैंक्स।